ये बात करते हैं छत्तीसगढ़ की, जहां पर डोंगरगढ़ विकास खंड में मनरेगा कार्यों की 80 लाख से ज्यादा की राशि 7 महीने से लंबित पड़ी है। मनरेगा की राशि नहीं मिलने से आक्रोशित ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत ध्रुसिरा में चक्का जाम करते हुए धरना प्रदर्शन किया है। इस धरना प्रदर्शन को भाजपा जनप्रतिनिधियों और नेताओं ने समर्थन भी दिया है और इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ में जमकर नारेबाजी की। ग्रामीणों ने जनपद पंचायती कर्मचारियों पर आरोप लगाते हुए कहा उनकी गलती से पोर्टल बंद हुआ। उन्होंने दोषियों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए 5-15 दिनों के भीतर राशि का भुगतान करने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कार्रवाई और भुगतान न होने की स्थिति में जनपद पंचायत के घेराव की भी चेतावनी दी है। मई जून का राशि का भुगतान आज तक नहीं हुआ है। लगभग राशि 1 करोड़ के आसपास है। 1233 मस्टर रोल का भुगतान बकाया है और जिसकी हमारे जनपद सदस्य श्री रवि अग्रवाल जी के संज्ञान में आया। उन्होंने कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का बेलगांव में आगमन था, उन्होंने आवेदन देकर मजदूरों के भुगतान के संदर्भ में बात करना चाहा, लेकिन प्रशासन के लोग उनको थाने में बैठा दिए गया और आज हमने मजदूरों के हित में इसके लिए प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं, कब तक भुगतान किया जाएगा? देखिए, डोंगरगढ़ जनपद पंचायत में अप्रैल मई जून में जो मनरेगा के मजदूर लोग काम किए हैं उसका भुगतान लंबित है। लगभग 84 पंचायत डोंगरगढ़ ब्लॉक के और 99,85,000 रुपया मजदूरों का भुगतान पिछले 7 महीने से लंबित है और कर्मचारियों के पास बताने के लिए भी ये है नहीं कि कब भुगतान होगा। कहीं ना कहीं जनपद पंचायत डोंगरगढ़ की लापरवाही है, वहाँ के कर्मचारियों की लापरवाही है, उसके कारण जो सॉफ्टवेयर लॉक हुआ वो अब कब खुलेगा वो नहीं बता पाएंगे। मनरेगा में मजदूरी भुगतान के लिए सौंपा गया है जो हमें ज्ञापन है और इसके लिए जैसे इनकी मांग है कि जिम्मेदारी जिनकी बनती है उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, तो हम उससे 3 दिन में कार्रवाई करके आप लोग को अवगत करवा दें।